जमुई में आए दिन सदर अस्पताल में ड्यूटी को लेकर डॉक्टरों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। जिम्मेदारी की लापरवाही भी चरम पे पहुंच चुकी है। यहां आए मरीज का इलाज भी काफी जद्दोजहद के बाद भगवान भरोसे ही होता है। यहां इलाज के लिए आए अधिकांश मरीजों को बिना इलाज के वापस लौटना पड़ता है। सदर अस्पताल में मुर्दों के साथ भी यही खेल यहां डॉक्टर और जिम्मेदारियों के साथ खेला जाता है। पोस्टमार्टम के इंतजार में शव को सुबह से शाम तक रखना पड़ता है और हंगामा करने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम को लेकर ऐसा ही एक मामला फिर शुक्रवार को सामने आया है, जहां नदी में डूबने से 14 वर्षीय बालक की मौत होने के बाद परिजनों के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां इमरजेंसी ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं थे, जिस वजह से लगभग 4 घंटे के अधिक समय बाद बालक का शव पोस्टमार्टम के इंतजार करना पड़ा। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और शव के साथ सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के समीप सड़क को जाम कर दिया और अविलंब पोस्टमार्टम की मांग करने लगे। इस दौरान डॉक्टर अस्पताल की जिम्मेदारियों के खिलाफ हंगामा करने लगे। वहीं पोस्टमार्टम में विलंब होने पर सदर अस्पताल की किरकिरी हो चुकी थी और सिविल सर्जन को भी फजीहत झेलनी पड़ी थी। स्वर्ण रानी के साथ जमुई से जुम्मन आलम की रिपोर्ट। यह है यहाँ का व्यवस्था। प्रॉब्लम ये है, आपके जम्मू जिला का सदर हॉस्पिटल है, हम लोग उसके मुख्य द्वार पर खड़े हैं, न्याय के लिए खड़े हैं। जब अंदर में न्याय नहीं मिला, माननीय सीएस महोदय से बात किया हमने, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए काफी देर से लोग यहाँ खड़े हैं और जो है कि लक्ष्मीपुर से कई लोग कैदी को लेकर आए हैं, कई गर्भवती महिला है वहाँ, कई ऐसे रोगी हैं, इमरजेंसी में कोई चिट्ठा काटने वाला नहीं, इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं, पोस्टमार्टम के ये लोग 2 घंटा से ज्यादा हो गया है और जो है अभी तक यहाँ पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्टर इनके पास अवेलेबल है। सदर हॉस्पिटल की स्थिति इतनी लचर है कि आए दिन हमको लगता है कि मीडिया बंधु आप लोग न्यूज छापते छापते थक चुके हैं। सांसद से लेकर माननीय विधायिका से लेकर यहाँ कई लोग आए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ के सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ है। नीचे से ऊपर तक का लीपापोती है और यही जो डॉक्टर यहाँ है पोस्टेड है, उन डॉक्टर का प्राइवेट क्लिनिक आप जाके एक बार थोड़ा सा देखिए, जाकर उनका प्राइवेट क्लिनिक एकदम अप टू डेट चलता है, 24 घंटा वहाँ सेवा उपलब्ध है। चांदी कट रही है इसके नाम पर। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को हम लोग मांग करते हैं कि जो लोग यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारी काफी दिन से यहाँ बने हुए हैं, इनको अविलंब जमुई से हटाना चाहिए और आम जनता जो कष्ट झेल रहा है, इस आम जनता के कष्ट से लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए। इसलिए हुआ है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है, कितना देर से आप लोग 4 घंटा हो गया यहाँ, न डॉक्टर है न सिविल सर्जन है, ये समस्या आए दिन होते ही रहता है। इससे पहले भी 3-4 को समस्या आया है, दिन रात पेपर में देखते हैं, जब यहाँ जिला का सारा प्रशासन यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई मैंने सॉल्व नहीं हो रहा है। इमरजेंसी में रात में डॉक्टर रहते हैं, न ड्यूटी भी कोई डॉक्टर अपना ड्यूटी निभाते हैं। ये स्थिति सबसे सदर हॉस्पिटल है जिला का, सबसे बद से बदतर हो गया। सिविल सर्जन साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि हम कर रहे हैं कानूनी, ये करते कुछ नहीं है, कभी कहते हैं कि डॉक्टर मेरा बात ही नहीं मानते हैं। तो ये स्थिति है सदर हॉस्पिटल का। यहाँ चिराग पासवान वहाँ है विजिट करने के लिए, तब पर भी सुधार नहीं हुआ। श्रेयसी सिंह यहाँ के विधायक है, वो आई, उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। तो ये स्थिति है, यहाँ दलालों का अड्डा है, यहाँ यहाँ एक भी जो है डॉक्टर समय पर नहीं रहते हैं, नहीं डॉक्टर नहीं रहती है। पेशेंट जो है सवेरे आता है 2 बजे तक लाइन में खड़ा रहता है, अब पोस्टमार्टम के लिए कहीं आता है लाश यहाँ तो पोस्टमार्टम तुरंत नहीं होता है, कम से कम 8 घंटा 10 घंटा उसको इंतजार करना पड़ता है। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है कि यहाँ की प्रशासन जो चुस्त दुरुस्त हो, जनता का काम हो। तो आप लोगों ने जाम जो लगा रखा है यहाँ पे, लोगों को दिक्कत हो रही है ना? लोगों की दिक्कत हो रहा है, इसमें प्रशासन को आना चाहिए था। किस कारण जाम लगा? प्रशासन को यहाँ लाश पड़ा हुआ है रोड पर, पोस्टमार्टम डॉक्टर नहीं है, कौन करेगा इसका? तो यहाँ की जनता जाम किया है। क्या नाम हुआ आपका? जिला परिषद खैरा मनोहर प्रसाद गुप्ता। आए दिन सदर अस्पताल में इस तरह का मामला हो रहा है,
तो इस पे आप क्या सर कार्रवाई कर रहे हैं? हम संज्ञान में आता है, हम कार्रवाई करते हैं इसको। लेकिन सर सुधार तो नहीं हो रहा है? नहीं होता, उनकी गलती का जवाबदेही है, विभाग को भी। अभी तक जो कार्रवाई किए, जो अगले बार जो इस तरह का मामला है, नहीं होना चाहिए। तो क्या इससे कार्रवाई किए थे? हाँ, निश्चित रूप से उस दिन ये लोग भी आए थे, जिस दिन चार सूबे में अभी इनका पोस्टमार्टम कौन करेंगे? विशाल आ गए, विशाल साहब करेंगे।